हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेट फॉर यू में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेमोरी इंटरफेसिंग का सेकंड पार्ट। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मेमोरी डिवाइस को एक हायरार्की में सजा दिया है और एक पिरामिड बना दिया है। तो पहला हमारा रजिस्टर है, फिर हमारा कैश है, फिर मेन मेमोरी है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क सेम होता है, और ये मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप जब हम लोग बहुत पहले टेप यूज़ करते थे प्लास्टिक का, उसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। अब हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, ये सबसे स्लो होता है, अब ये बहुत पुराना हो गया, अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आज हम इन सारे मेमोरी डिवाइसेस का कंपैरिजन देखेंगे कुछ पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। मतलब इन सबको हम कंपेयर करेंगे एक्सेस टाइम, फ्रिक्वेंसी, साइज़ और कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। इन सबको हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो पहला हमारा एक्सेस टाइम है। एक्सेस टाइम एक्चुअली में क्या होता है कि हम किसी इंस्ट्रक्शन को कितने टाइम में एक्सेस करते हैं, मतलब यहाँ है स्पीड से। तो जिसका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। मतलब जिसको ज़्यादा एक्सेस टाइम लग रहा है, तो किसी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने में जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, जिस मेमोरी को, मेमोरी डिवाइस को, उसका स्पीड स्लो होगा। मतलब यही है ना, जिसका एक्सेस टाइम कम से कम है, जिसको एक्सेस करने में कम टाइम लग रहा है, उसका स्पीड बहुत हाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमारा जो एक्सेस टाइम है वो एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। तो हमारा रजिस्टर में सबसे कम एक्सेस टाइम है, तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि रजिस्टर का स्पीड सबसे ज़्यादा है, और रजिस्टर किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने में बहुत कम टाइम लेता है, सबसे कम टाइम लेता है। तो एक्सेस टाइम रजिस्टर का सबसे कम है और वो उसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो रजिस्टर से ज़्यादा एक्सेस टाइम है कैश का, कैश से ज़्यादा एक्सेस टाइम है मेन मेमोरी का, मेन मेमोरी से ज़्यादा एक्सेस टाइम है मैग्नेटिक डिस्क का, और मैग्नेटिक डिस्क से ज़्यादा एक्सेस टाइम है मैग्नेटिक टेप का। और उल्टा अगर आप कर दें ऐसे तो स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड सबसे ज़्यादा रजिस्टर का है, कैश का उसके बाद है, मेन मेमोरी का उससे कम स्पीड है, उससे कम मैग्नेटिक डिस्क का स्पीड है, और मैग्नेटिक टेप का सबसे कम स्पीड है। तो एक्सेस टाइम स्पीड का समझ लीजिए उल्टा होता है। तो हमारा ये सबसे लो है, तो ये सबसे हाई है एक्सेस टाइम। तो मैग्नेटिक टेप सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम लेता है, ठीक है। अब हमारा आता है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी से यहाँ ये मतलब है कि सीपीयू सबसे पहले डेटा फेच करने के लिए किसको प्रेफर करता है, किसको प्रायोरिटी देता है, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होगी। मतलब सबसे पहले अगर सीपीयू को कोई डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, तो वो सबसे पहले रजिस्टर में चेक करता है। फिर अगर उसको रजिस्टर में नहीं मिला तो वो कैश में चेक करता है, कैश में नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी में चेक करता है, मेन में नहीं मिला तो वो मैग्नेटिक डिस्क में चेक करता है, वहाँ नहीं मिला तो मैग्नेटिक टेप में चेक करता है। तो मैग्नेटिक टेप आजकल हमारे सिस्टम में होते नहीं, कंप्यूटर में होते नहीं, बस मैंने बता रखा है कि जब यूज़ होते थे तो इसका स्पीड सबसे स्लो होती थी। खैर, तो फ्रिक्वेंसी से आप लोगों को समझ में आया कि सीपीयू सबसे पहले कहाँ खोजता है। तो सबसे पहले सीपीयू कहाँ खोजता है, हमारा रजिस्टर में खोजता है। अगर रजिस्टर में नहीं मिला तो कैश में खोजता है। मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई की कहाँ होगी, किसकी होगी, तो रजिस्टर की होगी। और सबसे ज़्यादा लो किसकी होगी, तो लो होगी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक टेप की। वन बाई वन वो हमारी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम साइज़ देख लेते हैं। तो साइज़ सबसे छोटी होती है रजिस्टर की, और उसी तरह वन बाई वन बढ़ती जाती है, मैग्नेटिक टेप की सबसे हाई हो जाती है, ठीक है। तो साइज़ में सबसे छोटा होता है हमारा रजिस्टर, फिर होता है कैश मेमोरी, फिर होता है मेन मेमोरी, उसी तरह बढ़ता जाता है साइज, ठीक है। तो सबसे लो होता है हमारा इसका, सबसे हाई होता है हमारा नीचे वाले का, मतलब मैग्नेटिक टेप का और रजिस्टर का सबसे लो। अब कॉस्ट देख लें, लास्ट हमारा पैरामीटर। तो कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है रजिस्टर का, उसके बाद उससे कम होता है कॉस्ट कैश का, उससे कैश से भी कम होता है मेन मेमोरी का, मेन मेमोरी से भी कम कॉस्ट होता है मैग्नेटिक डिस्क का, और ऐसे नीचे आता रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा कॉस्ट हाई होता है हमारा रजिस्टर का, और सबसे लो होता है हमारा मैग्नेटिक टेप का। तो ये मैंने कुछ समझा रखा है, और इन सब सारे मेमोरी डिवाइस को यूज़ करके हम अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करते हैं, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों को दो चीज़ें मेन हम लोगों की प्रायोरिटी होती है समझने की होती है, कि हम लोग पहली पहली चीज़ कि हम लोगों की स्पीड अच्छी हो, तेज़ हो, और दूसरा कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो। तो ना कॉस्ट सब बहुत ज़्यादा हो और ना स्पीड बहुत कम हो, तो हम लोगों को सबको मैनेज करके चलना होता है। तो डिफरेंट टाइप के मेमोरी डिवाइस को यूज़ करने का बस यही हम लोगों का मकसद है, कि हम लोगों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो जाए और स्पीड बहुत स्लो ना हो जाए, हम लोगों को
कम कॉस्ट में अच्छा स्पीड मिले, ऐसा हम लोग, इसलिए हम लोग डिफरेंट टाइप के मेमोरी डिवाइस बनाते हैं। नहीं तो अगर हम लोगों को स्पीड बहुत, किसको स्पीड बहुत नहीं चाहिए अपने सिस्टम में, बहुत फास्ट स्पीड चाहिए, तो हम डायरेक्ट रजिस्टर यूज कर सकते हैं। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी डिवाइस है, बट रजिस्टर इतना छोटा होता है और वो इतना महंगा होता है। अगर हम रजिस्टर पूरा हार्ड डिस्क की तरह यूज़ करें जीबी में और टीवी में, तो हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, जो हम हमारे बजट से बाहर जाएगा। तो हम लोगों को दोनों चीज़ें मद्देनज़र रख के चलनी होती हैं, एक कॉस्ट, दूसरा स्पीड।